वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पुनेरी निखिल। ये हमारा ब्लॉगर सोया हुआ है मंदिर में अभी तक, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा ब्लॉगर, ये सोया हुआ है और मुंह छुपा रहा है। वेलकम बैक टू अपना चैनल पुणे निखिल। तो गाइस अभी हम है कोलीगढ़ पे और सुबह के बज गए 7। रात को नींद नहीं आ पाई क्योंकि टेंट की हालत अगर आप देखोगे हमारे पीछे, ये है टेंट की हालत। और आपको लग रहा होगा इसके अंदर कोई नहीं, लेकिन इसके अंदर 2 बंदे है। आपको आवाज सुनना है, ये देखो ये है राहुल और प्रसाद, दोनों अंदर सोए थे। एक्चुअली हम पांचों लोग पहले यहीं पे सोए थे, लेकिन रात को जो हवा और ठंडी, और ये टेंट पूरा टूट गया, कहाँ से ले आया टेंट पता नहीं, लेकिन ये दोनों है और अभी ये फोटोग्राफी में बिजी है, ये भी शायद फोटोग्राफी में बिजी है। और हम जो सोए थे ये इसके अंदर, फिर रात को 4:30-5 बजे हम अंदर सो गए थे। और ये होता है, हर फोर्ट पे एक टेम्पल होता है, वो आपको हेल्प ही करता है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये पुरानी, एक्चुअली ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका है, ये तोप जो यहाँ पे पहले से थे वो। और यहाँ पे छोटे छोटे तालाब है, उस साइड में एक है हमारे एक पीछे एग्जैक्ट है। पानी यहाँ पे गंदा ही है उसका, लेकिन ठीक है, पानी तो है ऊपर के तरफ भी जो पहले यूज़ करते थे। तो अभी इसी मंदिर के अंदर सो के हमने थोड़ा सा नींद कम्प्लीट की है जो पेंडिंग थी। तो अभी फोर्ट का एक राउंड करते हैं और अभी थोड़ा सा नाश्ते का तैयारी करते हैं। तो गाइस अभी फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके अभी सब लोग वापस लग चुके हैं यहाँ पे चूल्हा जलाने के लिए। अभी थोड़ा सा यहाँ पे चूल्हा ब्रेकफास्ट बनाएंगे। अभी प्रसाद और राहुल की शुरुआत हो चुकी है, अभी मैं भी कैमरा साइड में रख के हेल्प करता हूँ, पहले चूल्हा जला लेते फिर वापस से थोड़ा सा बात कर सकते। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा फोटोग्राफी चल रही है, ये देखिए ये सब। तो गाइस अभी देखिए फुल जुगाड़ हो चुका है, अभी चाय तो रेडी हो चुकी है, लेकिन जो चाय छानने के लिए जो छाननी चाहिए वो हमारे पास थी नहीं। तो ये हुआ हमारा देसी जुगाड़, जो हमारा कल का जो टेंट था ना उसको अभी थोड़ा सा फायदेशीर हुआ है हमको, उसका ये जो नेट था वो यूज़ हो रहा है। तो अभी इसको जुगाड़ किया है इस लगाने में, अब इससे छानेंगे चाय और पियेंगे। चाय रेडी हो चुकी है, इसके बाद में हम बॉयल एग रखेंगे इसी के ऊपर, तब तक चाय पियेंगे। எல்லாம் அந்த கண்டு தேசி ஜுகாட் பரல கால் சார் பரல் தொடர்பு शस्त्र अस्त्र पारंगत राजनीति तुरंदर प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस शिवासनाधीश्वर इंद्र प्रतिपाल। तो गाइज अभी हम कोरीगढ़ का थोड़ा राउंड लेके आएंगे पूरा। हाँ, ये आप देख रहे हो अभी ये सज के पूरा वॉल है, यहाँ पे अभी तटबंदी नहीं है इस वॉल को, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है पूरा एम्बे वैली सिटी, पूरा एम्बे वैली है ये सिटी। और इसी रास्ते से हम आए हैं और ये जो आप देख रहे हो रास्ता,
इस तरह से थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि पूरा नीचे खाई है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, तो संभल के चलना पड़ता है। अभी और भी लोग हैं हमारे साथ में चलने के, संडे है तो आज भीड़ है, भीड़ नहीं बट है, लोग हैं अभी आए हुए, तभी चलते धीमे धीमे। और अभी आपको रनवे बताएंगे, उस साइड पे एक रनवे है जाम्बे वाली, प्राइवेट रनवे ही बोला जाएगा वहाँ को। गाइड्स अगर आप देखोगे तो इस साइड में आपको ये रनवे दिखेगा, एमबी वाली का प्राइवेट रनवे है और यहाँ पे गाँव है और वहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे मस्त ऐसा एक तालाब है, एक्चुअली वो मैनमेड तालाब है और ये रास्ता बहुत ज़्यादा रिस्की, यहाँ पे चलना नॉट ईजी एट ऑल। और इस फोर्ट पे एज सच कुछ नहीं बचा है, जो भी कुछ है वो सब कुछ गिरा दिया गया है, तो अभी के अंग्रेजों ने भी कुछ गिराया है या फिर कुछ टाइम बिंग भी गिर गया है, पूरा पत्थर का था इसलिए। और यहाँ पे कुछ वॉल्स वगैरह भी सही से नहीं है अभी फ़िलहाल तो। और ये देख रहे हो सामने है तोप, अभी ये सब तोप के वहाँ पे ही खड़े हैं। यार ये लोग कैसे करते थे पता नहीं यार, ये तोप ऊपर लेके आना, यहाँ पे मेरा एक बैग मेरे से नहीं ऊपर लेके होना हो रहा है घूमना, ये तोप कहाँ से क्या लेके आते थे पता नहीं। गाइज जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्पोर्ट में एज सच अभी कुछ नहीं है, लेकिन स्मॉल ट्रैक नियर पुणे मुंबई के लिए बहुत, लोनावला के पास बहुत ही बढ़िया ऐसा ट्रैक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पुराने लोग रहते थे यहाँ पे, उनके लिए जो घर थे वो है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा, जैसे कि पुराने समय का बाड़ा तो था वो था पत्थर का, लेकिन अभी कुछ नहीं बचा। इंग्लैंडों ने भी बहुत कुछ यहाँ पे ख़राब किया है, उसके साथ साथ भी अभी बहुत सालों से है, उसके वजह से भी हो सकता है कि अभी पूरा टूट गया है करके। लेकिन आप देखोगे तो ये पूरा अभी भी है, यानी कि साइड के जो वॉल्स है वो है, दिख रहा है कि यहाँ पे घर थे पहले, बस वही है। और अभी नीचे जाने का समय आ चुका है, वन साइड इस साइड में कुछ भी जैसे कि नहीं है, नहीं यानी कि वॉल नहीं है, उस साइड में वॉल है, मैं आपको थोड़ा उस साइड में बताता हूँ, जो वॉल है वहाँ पे आप चल सकते हो आसानी से। लेकिन एम्बे वाले का व्यू इस साइड से है, और जो मैंने आपको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, एक साइड से पूरा एकदम तटबंदी नहीं है और एक साइड से पूरा ऐसा तटबंदी है, यानी कि आप यहाँ से वॉक कर सकते हो पूरा एक साइड में और जा सकते हो। और अभी वहाँ पे खड़े है ही मेरे राहुल प्रसाद, अभी यहाँ से हमारा कुछ प्लान चल रहा है कि यहाँ से हम फ़ोटो निकालेंगे। और ये है मेन एंट्रेंस इस फोर्ट का इसके तरफ से, और ये पूरा वॉल का देखिए इस साइड में पूरा अच्छे से तटबंदी, इसके साइड से आप ऐसे पूरा चल सकते हो, इस साइड में नहीं है तटबंदी। ऐसा जंगल का रास्ता है स्टेर के से ऊपर जाने तक के, आगे भी थोड़ा जंगल है।
तो गाइज अभी नीचे आ गए कोरी गढ़ के पायथे पे और अभी घर जाने का समय आ चुका है, तो अभी सब हम एक जगह पे रुके हुए थके हैं। आते समय ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, दपट आ गए। तो अभी अगर गाइज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मोटिवेट करो, लाइक करो, लाइक करो। तभी मिलते हैं, यू विल गेट बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियोस एंड सीन इन पुनेरी निखिल ब्लॉग। अगले वीडियो में मिलते हैं, और अभी वापस से होगा नाइट स्टे का ही प्लान। तभी टेंट अभी चेंज करेंगे, पहले अभी दूसरा टेंट लेंगे, बड़ा वाला टेंट लेंगे क्योंकि टेंट के बगैर नाइट स्टे का मजा नहीं आता है। टेंट अच्छा होना चाहिए, कल हमारी बहुत हालत ऑलरेडी बहुत खराब हो चुकी थी।